मैथ ससुरा ऐसा टॉपिक है, अब मैथ्स वालों से पूछो तो कहेंगे इसके लिए दिमाग चाहिए। नहीं भैया, इसके लिए जोड़ जुगाड़ चाहिए। A few moments later. अरे भाई कौन है, एक मिनट होल्ड करना भाई। हेलो, पासवर्ड लेके क्या कर लोगे तुम? कि प्रोबेबिलिटी, अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा ना कि कौन कौन पेयर बना रहा है पॉजिटिव नेगेटिव का। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, जब जब आपने प्रोबेबिलिटी में सोचा इसका आंसर 3/8 ही है, हम सारे केसेस देख लिए हैं, ठीक है। 15 मिनट से सोचे हैं लाल बॉल को निकालने पे पीला रहेगा या नीला रहेगा, ठीक है, वो पक्का गलत होता है। मेरे साथ तो यही होता था। तुम्हारे साथ भी होता ही होगा फॉर श्योर। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही है, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसे टॉपिक्स हैं जो जबरदस्ती डाले गए हैं सिलेबस में, जिससे बच्चा फूलना लगता है, ठीक है। हाँ, कुछ भी हो जाता है। एक बैग में चार बॉल लाल है, चार बॉल नीली है। अब आप एक निकालेंगे, पता लगा बस्ते में जो था, हाँ आप तो सही निकाल लिए, आपको लगा कि हम सही निकाल लिए, चार लाल है चार नीली है, एक निकालेंगे तो 1/8 हो जाएगा या जो भी हो जाएगा, इंटू 2 कर दे, 4 कर दे, जो भी, आपने अपना पूरा दिमाग लगा लिया। लेकिन मैथ ससुरा ऐसा टॉपिक है, जब देखेंगे बस्ते में तो लाल अपना रंग छोड़ के नीले पे चिपका दिया, तो 5 लाल हो गया, 3 नीला हो गया। अब तुम दिमाग खुजला है, अब टीचर तो केसेस बनाएगा कि ये रंग छोड़ेगा तो ये हो गया, ये रंग छोड़ेगा तो ये हो गया। टीचर को तो सब पता, बच्चे को नहीं पता चलता। तो परमुटेशन वैसा ही है, ठीक है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है भाई कि आपने दिल बना के या थम्स अप भेजना, जिस जिसने ऐसा सोचा हो कि भाई आज हम टेस्ट दे रहे थे, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मेरे को नहीं पता मेरी फिजिक्स स्ट्रांग है, मेरा ये आंसर सही है या नहीं, केमिस्ट्री ये है या नहीं, लेकिन जो मैंने आज प्रोबेबिलिटी के केसेस बनाए हैं, सैंपल स्पेस क्रिएट किया था, उसमें से जो सिलेक्शन किया, इसको कोई बीट नहीं कर सकता, और मैंने सारी चीजें सोच ली है, और आपने जो आंसर मार्क किया वो नहीं था। फिर आपको लगा यार ये प्रोबेबिलिटी में मेरा हाथ ढीला ही है। मतलब आप एग्जाम में बहुत, नॉर्मली क्या होता है जब आप दूसरे टॉपिक का टेस्ट देते हो तो आपको एग्जाम में डीमोटिवेशन होता है, आपको याद नहीं आता, लेकिन प्रोबेबिलिटी उल्टा होता है, आपको बहुत मोटिवेशन आ रहा होता है। सारे का सारे मुठा जा पड़े होते हैं। बात सही, प्रोबेबिलिटी ऐसा ही है। अब मैथ्स वालों से पूछो तो कहेंगे इसके लिए दिमाग चाहिए। नहीं भैया, इसके लिए जोड़ जुगाड़ चाहिए। दिमाग तो यहां लगेगा, है ना। और क्या, अब देखो सामाजिक स्थिति की अगर हम बात करें तो ताश खेलना तो मैथ्स वाला सिखा रहा है, 10वीं क्लास के बच्चे को सिखा रहा, तो गलत बात है, हम इसको सपोर्ट नहीं करता जी। हाँ, कि इक्की आएगी या दुक्की आएगी है तो हम तीन पत्ती खेलें या फिर क्या खेलें, तो बच्चे के अंदर जिज्ञासा जगा रहा है, गलत बात है। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होना चाहिए, सिर्फ थ्योरी होना चाहिए, ये भी नहीं है हमारे। देखो भाई, जब हम IIT में गए थे तो बहुत सारे बच्चे तो ये प्रोबेबिलिटी परमुटेशन सब सीख के आए थे, तो क्या करते थे, एक एक रुपए की शर्त लगाते थे, डाइस पकड़ते थे, अगर एक जिसका आएगा उसको रुपए मिलेगा, तो एक का 5 आ गया तो अब हम 1 रुपए हार गए, मतलब सटेरी बन रहे हैं बच्चे IIT में बैठ के, तो ये गलत काम। अरे भाई कौन है, एक मिनट होल्ड करना भाई। हेलो, हाँ जी भैया बोलो। हाँ भैया एक मिनट रुकना भाई, सुभाष ये कुरियर पकड़ लियो या मेरा, बात करके इससे। हाँ ठीक है, क्या हुआ, 6786, ठीक है, पासवर्ड लेके क्या कर लोगे तुम, क्या कर क्या लोगे हैं? देखो मैं कह रहा था ना, बचपन में 10वीं क्लास में ये ताश पत्ती और ये सब नहीं सिखाना चाहिए, ये उसी का रिजल्ट है, ये बाद में जाके पोकर खेलेंगे बस बच्चे, ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे।